आज हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आपकी गाड़ी का यानी कार का चालान कट गया है तो आप कैसे जमा करेंगे। जान रहे हैं, नई बढ़ी हुई सितंबर नीति के अनुसार गाड़ियों का चालान की राशि बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई है, अमाउंट बहुत हैवी कर दिया गया है। इसलिए सीट बेल्ट वगैरह पे जो किसी ना किसी कारण से चालान जो कट रहा है, अब वो चालान जब कट जाएगा तो आप कैसे जमा करेंगे, हम आपको इस वीडियो में पूरा चालान जमा करते हुए दिखाएंगे। दोस्तों, आप चाहे तो अपने मोबाइल से भी चालान जमा कर सकते हैं, आपको किसी साइबर कैफे किसी की मदद लेने की ज़रूरत नहीं है, आप मोबाइल से भी अपना चालान जमा कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं, देखिए इस वीडियो में। दोस्तों, चालान जमा करने के लिए आपको rozgarrizal.com खोलना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, rozgarrizal.com जैसे ही खोलेंगे आपको सबसे पहले नीचे आना पड़ेगा इंपॉर्टेंट वाले सेक्शन में। उसमें आप नीचे आएंगे, आपको मिलेगा यूपी ट्रैफिक पुलिस ऑनलाइन चालान पेमेंट। जी हाँ दोस्तों, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही करेंगे आप देख सकते हैं चालान वाला पेज ओपन हो गया है। आपको सीधे नीचे आना है और पे चालान फीस पे क्लिक करना है। जी हाँ दोस्तों, आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप दोस्तों चालान पे क्लिक करेंगे, यूपी ई चालान का पेज ओपन हो जाएगा। इसमें ई चालान का पेमेंट होता है। चालान पेमेंट करने के तीन माध्यम है, चालान, व्हीकल और डीएल। आप चाहे तो चालान नंबर डाल के पेमेंट कर सकते हैं, ना हो तो आप गाड़ी नंबर डाल के पेमेंट कर सकते हैं, जो भी आपकी गाड़ी का नंबर हो वो भी, ना हो तो आप डीएल नंबर डाल के भी पेमेंट कर सकते हैं। चलिए आपको करके दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमने इसमें कैप्चा डाल दिया और इसमें यहाँ पर हमने अपना गाड़ी नंबर डाल दिया। अब हमको यहाँ गेट डिटेल पे क्लिक करना है। चलिए क्लिक करके आपको दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों, जैसे ही हमने उस पर क्लिक किया हमारा डिटेल आ गया। हमारे तीन चालान कटे हुए हैं, एक 4000 का, एक 500 का, एक 1600 का। लेकिन देखिए दोस्तों, 1600 वाले का चालान का पेमेंट हम कर चुके हैं, अब हम 500 का पेमेंट करने जा रहे हैं। इसके बाद फिर हम 4000 का भी पेमेंट करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम 500 का पेमेंट करने के लिए हमको पे नाउ पे क्लिक करना है। दोस्तों, जैसे ही आप पे नाउ पे क्लिक करेंगे इसमें मोबाइल नंबर डालेगा। आप यहाँ कोई भी मोबाइल नंबर डाल के सेंड ओटीपी कर लेंगे, आपके मोबाइल पे एक ओटीपी आएगा, आप उसको डाल के आगे बढ़ सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, जैसे ही हमने ओटीपी डाल के आगे बढ़े, हमारा नाम लिख के आ गया, चालान नंबर आ गया, चालान की डेट आ गई, हमारा चालान कब कटा है ये आ गया, और कहाँ किस लोकेशन में कटा है, नहीं लखनऊ कलेक्ट्रेट में कटा है हमारा चालान, 500 रुपये का कटा है। चलिए हम इसका हम पेमेंट करते हैं। ये देखिए दोस्तों, जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे आपको स्टेट बैंक का नेट बैंकिंग का गेटवे मिल जाएगा। आप चाहे तो डेबिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं। चलिए हम नेट बैंकिंग पे करने के लिए हम यहाँ क्लिक करते हैं। अब देखिए दोस्तों, इसमें हम अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डालेंगे और आगे के प्रोसेस पे जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, ये नेट बैंकिंग वाला पेज ओपन हो गया है। देखिए 500 रुपये फ़ीस आ रही है, जितनी भी चालान की फ़ीस होगी वो आएगी। अब हम इसमें फिर से आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जब आपका चालान आप ऑनलाइन पेमेंट आपका सक्सेसफुल हो जाएगा तो इस तरह लिख के आएगा, चालान पेमेंट हैज़ बीन रिसीव्ड सक्सेसफुली। और उसके बाद आपका चालान नंबर, अमाउंट, व्हीकल नंबर, ट्रांजेक्शन नंबर जिसका आपने पेमेंट किया, सब कुछ आ जाएगा। उसके बाद आप चाहे तो बैक करके फिर से आप डाल के चेक कर सकते हैं, वो भी हम आपको करके दिखाते हैं। दोस्तों, पेमेंट करने के बाद आपको फिर से वही प्रोसेस करना पड़ेगा, व्हीकल पे डाल के आपको अपना गाड़ी का नंबर डालना पड़ेगा, या अगर आप डीएल से चेक करें तो डीएल नंबर डाल के कैप्चा डाल के आपको सबमिट करना है। चलिए हम करके दिखाते हैं आपको। तो देखा दोस्तों, जैसे कि हमने आपको बताया था, हमारा एक चालान जमा था, हमने दोबारा 500 का पेमेंट किया, वो भी हमारा सक्सेसफुल हो। जब आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा तो ये आपका ग्रीन कलर का हो जाएगा, इसका मतलब आपका पेमेंट अपडेट हो गया है। दोस्तों, हमारे तीन चालान कटे थे, दो का पेमेंट कर दिया, अब हमारा तीसरा चालान भी पेमेंट है। दोस्तों, अब हमारे पास पैसा होगा तो फिर हम जमा करेंगे, तब तक हम इसको पेंडिंग में ही रहने देते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि अगर चालान कट जाए तो कैसे पैसा जमा करना है। यही प्रोसेस आपका गाड़ी में भी है, बाइक में भी है, एक्टिवा में भी है, कोई भी गाड़ी हो आपकी अगर चालान कट जाता तो सेम प्रोसेस है। हमने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट लिंक भी दे दिया है ताकि आपको कोई तकलीफ ना हो। और आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिएगा। धन्यवाद।